इस्लामी यूट्यूब चैनल की कमाई का हुक्म। मेरा एक इस्लामी चैनल है, मुझे कई साथियों ने कहा है कि यूट्यूब की कमाई हलाल नहीं है, इस बारे में रहनुमाई फरमाएं कि क्या यूट्यूब पर इस्लामी चैनल्स की कमाई हलाल होगी या नहीं। बिलाल साहब लाहौर से। जनाब बिलाल साहब, यूट्यूब की कमाई का ताल्लुक इस चैनल के इस्लामी या गैर इस्लामी होने से नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे जो कमाई आती है वो आपके चैनल की नहीं होती बल्कि एडवर्टाइजमेंट की होती है। तो एडवर्टाइजमेंट इस्लामी होगा चाहे चैनल गैर इस्लामी क्यों ना हो। तो एडवर्टाइज़ अगर इस्लामी होगा तो उसकी अर्निंग भी हलाल, एडवर्टाइज़ गैर इस्लामी है तो अर्निंग भी हराम। हाँ, ये एक अलग बात है कि गैर इस्लामी यूट्यूब बनाने का गुनाह एक अलग से होगा, गाने बजाने का और ऐसी फोहश चीज़ों के। अगर आपने चैनल बनाया तो कुरान मजीद की वईद है, इन्नल लदीना युहिब्बून अन तशीअ अल फाहिशतु फिल लदीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग बेहयाई फैलाते हैं मुसलमानों में, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। तो इसलिए फोहश चीज़ों की वेबसाइट्स बनाना या यूट्यूब पे फोहश मवाद डालना ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। लेकिन अर्निंग का ताल्लुक आपके चैनल से नहीं है, अर्निंग का ताल्लुक आपके एडवर्टाइज से है कि उस पर एडवर्टाइज़ कौन से चलाए जा रहे हैं। तो एडवर्टाइज़ जो नाजायज़ चलेंगे तो उसकी अर्निंग भी नाजायज़, और जायज़ एडवर्टाइज़ चलेंगे तो अर्निंग भी जायज़। अब नाजायज़ एडवर्टाइज़ किसे कहते हैं, इसको खूब अच्छी तरह से समझें। नाजायज़ एडवर्टाइज़ कहते हैं शराब का एडवर्टाइज़ चल रहा है उसके ऊपर, या किसी कोई मूवी आई हुई है जो आजकल ज़्यादातर नाजायज़ ही होती हैं, जो जिसमें फोहश वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो किसी मूवी की एडवर्टाइजमेंट चल रही है, इश्तिहार चल रहा है, या सुअर के गोश का कोई चीज़ है जिसको प्रोमोट किया जा रहा है, यानी वो चीज़ें जो